हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के पाठ पुस्तक के चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे के बारे में जानेंगे। तो चलिए मैं आपको ज्यादा समय ना लेते हुए इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्रमशः आपकी नजर डालता हूँ, जिसमें हम चर्चा करने वाले और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न की भी हम चर्चा करेंगे आने वाले हमारे वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे संविधान क्या है, इसके बारे में, इसकी आवश्यकता क्यों पर इस पर भी फोकस करेंगे, और इस संविधान का निर्माण क्यों किया गया, और कोई भी देश किसी भी संविधान का निर्माण क्यों करता है, ये भी इस बात पर फोकस और नजर डालेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे संविधान की विशेषताओं की, और उसके बाद हम इसके महत्व की भी चर्चा करेंगे। तो जैसे आपको दिख रहा है कि हमारे पास लिखा हुआ है संविधान क्यों और कैसे। तो दोस्तों, संविधान होता क्या है? तो संविधान का मतलब होता है ऐसे सिद्धांतों या नियमों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम एक घर की बात कर ले दोस्तों, अगर हम अपने घर में देखें तो हमारा घर भी ना एक नियमों के माध्यम से संचालित होता है। अगर घर में नियम ना हो तो कोई व्यक्ति को पता नहीं रहता उसको काम क्या करना है, किस आधार पर काम करना है। तो नियम बहुत जरूरी होते हैं, और भारत जैसा इतना विशाल देश जहाँ विविधता है ना, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है भाषाओं को लेकर, है ना, जातियों को लेकर, धर्म को लेकर, तो वहां संविधान का होना लाजमी है। सिर्फ भारत की बात नहीं, दुनिया के तमाम देश जो लोकतांत्रिक परिपथ में चलते हैं और जो लोकतंत्र नहीं भी है, वहां भी संविधान की यानी नियमों की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो संविधान क्या है? यानी संविधान है नियमों तथा सिद्धांतों का ऐसा समूह जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब किसी देश का शासन चलाने के पीछे मतलब यह है कि वो रेगुलेट कैसे होता है, क्योंकि संविधान हमें यह बताता है कि उस देश की शासन प्रणाली कैसी है। या आप कह सकते हैं ना कि संविधान किसी देश का एक ऋण होती है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे भी बैकबोन है, और हम जैसे अपने ऋण की हड्डी के बिना खड़ा नहीं हो सकते, राइट? ठीक उसी तरह हमारा देश भी हमारे संविधान के बिना खड़ा नहीं रह सकता है। ये बहुत ज्यादा फैक्ट है, आप समझ लीजिए। तो आई होप आप संविधान के बारे में समझ रहे हो। संविधान क्या है? नियमों और सिद्धांतों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ी संविधान की, हम क्यों कहते हैं कि हमें संविधान चाहिए, और हमारे संविधान निर्माताओं को एक संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, क्योंकि जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे या हम ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश थे, तो हमारे साथ इतने ज्यादा अमानवीय व्यवहार किया गया। हम नागरिक होते हुए भी हमारे साथ दूसरे दर्जे के नागरिक से व्यवहार किया जाता था। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके जो नुमाइंदे थे, जो लोग थे, वो हमसे बहुत कमतर थे, लेकिन हमसे उच्च पद पर वो आसीन रहते थे। यानी विविधता बहुत ज्यादा थी, भेदभाव बहुत ज्यादा था। तो ऐसा भेदभाव आजादी के बाद हमारे साथ ना हो, या हमारे नागरिकों के साथ जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी उनके साथ ना हो, तो इसलिए हमें एक संविधान की आवश्यकता पड़ी, ताकि सभी को एक साथ समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना को लेकर आगे बढ़ाया जा सके। तो संविधान की आवश्यकता पड़ती है ताकि सभी को समानता मिले, स्वतंत्रता मिले और आगे बढ़ने के चांस मिले, ताकि हम एक साथ विकास कर सके। ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति विकास कर रहा है, दूसरा उसके विकास को देख रहा है। तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता महसूस हुई और पड़ी, और हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके एक ही मकसद था कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, राइट? चलिए तो आज आप समझ लो संविधान क्यों आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं संविधान के निर्माण की दोस्तों। तो निर्माण बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस संविधान की बात हम चर्चा कर रहे हैं उस संविधान के निर्माण में ना बहुत कुछ छिपा हुआ है, या आप कह सकते हैं कि हमारा पूरा भारतीय परंपरा जो हमारे संविधान के निर्माण में छुपी हुई है। संविधान के निर्माण की पहली बार चर्चा अगर हम बात करें तो पहली बार चर्चा दी गई थी 1934 में, और इस समय इस बात के बारे में बताया था वी एन राव यानी वेणुगोपाल राव ने, और इस संविधान की मांग को कांग्रेस द्वारा पहली बार 1935 में स्वीकार किया गया, यानी एक्सेप्टेबल किया गया, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस यानी जिसे हम इंटरनेशनल कांग्रेस नाम से जानते हैं, उसने इससे पहले कभी भी संविधान को स्वीकार नहीं किया और ना ही अपने मन से इसे घोषित किया, राइट? उसके बाद इसकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? तो निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है दोस्तों, वह है भारतीय संविधान का निर्माण
कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक संविधान सभा द्वारा किया गया। अब आपको आप ये सोच रहे हो कैबिनेट मिशन है क्या, सॉरी कैबिनेट मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन दोस्तों 1942 में भारत आया और इसका एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीयों के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जिसके माध्यम से आने वाले सालों में भारतीय अपने आप को शासित कर सके। और इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सर स्टैफर्ड ग्रीव्स, यानी दोस्तों सर स्टैफर्ड ग्रीव्स इसके अध्यक्ष थे और इसीलिए इस कैबिनेट मिशन को हम क्रिप्स मिशन के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन क्या है, तो जो 1942 में एक कैबिनेट मिशन भारत में संविधान के लिए आया था उसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं क्रिप्स मिशन, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। आई होप आप सब बच्चों को क्रिप्स मिशन क्या था। और क्रिप्स मिशन के ने एक संविधान की रूपरेखा तैयार की और इसी संविधान की रूपरेखा के तहत हमारे संविधान की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस पहली बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इसके पहले अध्यक्ष थे। अब आपके सामने ये प्रश्न बहुत ज्यादा कौतूहल मचा रहा होगा कि आप लोगों ने तो हमेशा पढ़ा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा का अध्यक्ष थे, तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और ये सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि क्योंकि हमारे संविधान में फ्रांस की तरह जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन दो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे वो पहले सदस्य थे, परंतु ये सदस्य के तौर पर जाने के इनका नाम था अस्थाई सदस्य के तौर पर, यानी ये सिर्फ दो दिन के लिए थे क्योंकि हमें क्योंकि हमारी जो संविधान सभा थी वो बिना किसी अध्यक्ष के सुचारू चलाई नहीं जा सकती थी। और हमने हमेशा से अपनी परंपरा में ही देखा है कि हम हमेशा देते हैं मान्यता एक्सपीरियंस को, यानी जो वृद्ध होता है उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और इसीलिए हमने उसको अध्यक्ष पद बैठाया। और हमारे सामने जो सबसे वाली वृद्ध थे वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। हालांकि दो दिन बाद जिसे हम कहते हैं 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया। तो यहाँ पे दो प्रश्न बन जाते हैं, तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष अगर सिर्फ अध्यक्ष पूछा जाए तो इसका आंसर आप तुरंत दे सकते हैं, उनका अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछे ना कि भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बार जब संविधान सभा की बैठक हुई तब वो इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो यहाँ दो क्वेश्चन का कंफ्यूजन बच्चे बार बार करते हैं और हमेशा गलत करके आ जाते हैं। अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, स्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों हमारे संविधान की पूरी तरह से रूपरेखा है, इसे आप एक प्रकार से हमारे संविधान का या कहते शैडो कह सकते हैं, परछाई कह सकते हैं, जिसे समझकर जिसे पढ़कर आप हमारे पूरे संविधान की कल्पना कर सकते हैं। और उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जाता है तो पास के ऊपर हम पूछ लेते चाह लेते हैं उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया, राइट, ये ज्यादा जरूरी है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पहली बार पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 1946 13 दिसंबर, राइट, याद रखना। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श किए गए, क्योंकि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना होने वाला था, ये हमें बिल्कुल पता था, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव यही कहता है कि हम भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु और गणतंत्र राज्य बनाते हैं। इट मींस कि अब हम संप्रभु हैं,
हम जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं, हमारे पर किसी दूसरे देश का कोई अधिकार नहीं है, हम जो नियम बनाए हम अपने अधिकार बना सकते हैं, हम किसी प्रकार नियम को लागू करवा सकते हैं, हम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या तीसरे देश का कोई दबाव नहीं होगा, यानी हम पूर्ण रूप से क्या संप्रभु हैं, यानी संप्रभु मतलब पूर्ण रूप से आजादी। उसके बाद इसी देश प्रस्ताव में एक और शब्द स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब होता है फ्रीडम, वो फ्रीडम नहीं जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बार बार झुंझुना पकड़ा रही थी, कभी 1942 के में पकड़ा दिया या 1919 के अधिनियम, पूरी तरह स्वतंत्रता यानी स्वराज जिसकी हम बात करते हैं वो स्वराज वाली स्वतंत्रता, आप जो कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं। ये दो सब बहुत महत्वपूर्ण है उद्देश्य प्रस्ताव के, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव बहुत सारी बातें बताएगी, और जब इस उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा की गई और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को पास कर दिया गया, दोस्तों 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को हमारे संविधान सभा ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 22 जनवरी 1946 को हमारे उद्देश्य प्रस्ताव को जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था उसे पास कब किया गया, पास किया गया 22 जनवरी 1946 को, और इसे सर्वसम्मति से पास किया गया। सर्वसम्मति मतलब होता है कि इस संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे हामी भरते हैं और किसी ने विरोध इसका नहीं किया, और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की प्रस्तावना जिसे हम प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उसके रूप में जाना जाता है, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसंपन्न समाजवादी गणतंत्र राज्य बनाते हैं और उसके समस्त नागरिकों को राजनीतिक सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं, यही जो हमारी प्रस्तावना है ये पूरी तरह से आज हमारे संविधान में लागू कर दी गई है। इसके माध्यम से उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्ताव नाम से जाना जाता है। यहां तक आपको समझ आ चुका होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि संविधान पढ़ लिया हमने, अब संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे दोस्तों संविधान होते हैं 2 टाइप्स, यानी एक ऐसा संविधान जिसे हम कहते हैं लिखित संविधान, एक ऐसा संविधान जिसे हम कहते हैं अलिखित संविधान। लिखित संविधान का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं अमेरिका का, मैं अमेरिका का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दोस्तों अमेरिका दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश है जहां पहली बार लिखित संविधान को पास किया गया, हालांकि भारत भी है, भारत का संविधान तो अमेरिका से कई गुना बड़ा है, हम दुनिया के सबसे बड़े संविधान वाले हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने का दावा करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है ऐसा है भी, सिर्फ दावा नहीं करते और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दम भी भरते हैं। दम मतलब होता है कि हम सीना ठोके कहते हैं कि हमारा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र धारण करने वाला देश है और जिसका संविधान भी सबसे बड़ा है, ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हम भारत के नागरिक है और इस आईन इस संविधान की परंपरा को आगे हम बढ़ाने वाले हैं। चलिए तो लिखित संविधान का मतलब क्या होता है, लिखित संविधान दोस्तों का मतलब होता है कि एक ऐसा संविधान जिसे जिसमें लिपिबद्ध तरीके से लागू किया जा सके, जिसमें किसी कैबिनेट के माध्यम से किसी संविधान सभा के माध्यम से लागू किया जाए, इसे कहा जाता है लिखित संविधान, यानी लिखित तौर पर पेश किया जाए, और लिखित तौर पर पेश किया करने का मतलब क्या होता है कि इसे पास करने वाली एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए, एक ऐसे संविधान सभा होना चाहिए जिसमें सभी लोगों की क्या होनी चाहिए, समान भागीदारी, क्योंकि कानून किसके लिए होता है, सभी के लिए, किसी एक वर्ग के लिए नहीं, तो इसलिए लिखित संविधान का मतलब होता है कि यह सर्वसम्मति से पास होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अलिखित संविधान, अलिखित संविधान का हम उदाहरण ले सकते हैं जो है ब्रिटेन, हालांकि ब्रिटेन तो उस समय साम्राज्यवादी देश था और दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, यहाँ अस्त होने मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल की दुनिया में जहां भी ब्रिटेन की उपनिवेश थे वहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर भारत में हम उपनिवेश थे ब्रिटेन के तो यहाँ पर सुबह हो रही शाम हो रही थी, तो ऐसा कोई देश जरूर था जहां सुबह हो रही थी, इसी आधार पर कहा जाता है कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, ऐसा नहीं कि वहां डूबता नहीं, डूबने मतलब नहीं डूबता नहीं, हाँ यहाँ अगर अस्त हो रहा तो ऐसा कोई देश जरूर था जहां सुबह हो रही थी, राइट। तो अब अलिखित संविधान को हम समझ लेते हैं, अलिखित संविधान का मतलब होता है कि जो परंपराओं के आधार पर तय किया जाता है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लिपिबद्ध लिपि मौजूद ना हो, परंपराओं के अनुसार उसके बारे में बताया जाए उसे कहा जाता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वह है दोस्तों ब्रिटेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयोग, यहां तक संविधान के प्रकार लिखित और अलिखित में आप पूरी तरह से अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करा जाए तो आप बता सकते हैं लिखित संविधान में उदाहरण हम दे सकते हैं ऐसे संविधान
जो लिखित रूप से मौजूद है, अलिखित संविधान एक ऐसा संविधान जो परंपराओं के आधार पर मौजूद है। इसमें उदाहरण दे सकते हैं आप अमेरिका, भारत, इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं लिखित संविधान में ब्रिटेन। चलिए अब हम बात करते हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण। और अब भारतीय संविधान की बात ही बात करें तो भारत का संविधान ना विशेषताओं से भरा हुआ है, यानी हमेशा गुड़ और शक्कर और मिश्री से भरपूर, यहाँ मिठास मिठास है, वही हमारे संविधान की क्या है विशेषता है। तो हमारे संविधान की पहली विशेषता क्या है दोस्तों, एकात्मक और संघात्मक मिश्रण। एकात्मक और संघात्मक मिश्रण का मतलब होता है कि हमारे संविधान में ऐसी बहुत सी अनुच्छेद ऐसे हैं जो हमें पूरी तरह से क्या बनाते हैं, एकात्मक बनाते हैं, और हमारा संविधान क्या है संघात्मक भी है। तो संघात्मक का मतलब होता है यहाँ पर कानून और शासन व्यवस्था राज्य और केंद्र और स्थानीय स्तर क्या होती है विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें भारतीय संविधान में क्या संघात्मक है, तो संघात्मक मतलब होता है जब किसी देश का कानून राज्य और केंद्र दोनों के आधार पर चलाया जाए, राज और केंद्र दोनों एक दूसरे के प्रति क्या रहे उत्तरदायित्व ना रहे, वो दोनों सॉरी उत्तरदायित्व रहे, इसे हम क्या कहते हैं संघात्मक व्यवस्था, यानी एकात्मक और संघात्मक मिश्रण है। एकात्मक का एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए जब भी हमारे देश में राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लागू होता है तो हमारा देश यानी हमारा संविधान बिना किसी परिवर्तन के तुरंत क्या हो जाता है एकात्मक हो जाता है, यहाँ पे कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। तो इसलिए हमारे संविधान की जो सबसे अच्छा गुण क्या है एकात्मकता के साथ साथ संघात्मकता का मिश्रण, राइट। चलिए दूसरी हम बात करते हैं एकहरी नागरिकता, और एकहरी नागरिकता का मतलब है कि भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे वो किसी भी राज्य समाज समुदाय और विशेष राज्य में क्यों ना रहता हो वो क्या कहलाएगा भारत का नागरिक। यानी अगर हम बात करें आज हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन्हीं सभी को मिलाकर जितने भी राज्य में हैं उन सभी में कौन नागरिक माना जाएगा भारतीय नागरिक। एग्जाम्पल के लिए पहले आप कह सकते थे कि आर्टिकल 370 के जरिए जो जम्मू कश्मीर की नागरिकता है वहां पर लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर 2019 में जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था उसको लैप्स कर दिया, तो लैप्स करने का मतलब खत्म हो गया, अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी सिर्फ किसी नागरिकता प्राप्त है तो भारतीय नागरिकता प्राप्त है। आप कहते हैं देश की सर्वोच्च सत्ता, तो भारतीय संविधान में देश की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। सर्वोच्च सत्ता का मतलब होता है कि हमारा राष्ट्रपति है मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति भी किसके माध्यम से चुना जाता है वोट के माध्यम से। भले ही राष्ट्रपति की चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से ना करे लेकिन राष्ट्रपति की चुनाव जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति की चुनाव करते हैं, यानी जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की चुनाव में भाग लेती है। इसीलिए हम कहते हैं कि देश की जो सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है जनता में नीत है, राइट। ये हमारे संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। हमारा संविधान दोस्तों क्या है कठोर और लचीले का मिश्रण। कठोर और लचीले का मिश्रण का मतलब होता है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं और कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो इसलिए हमारे देश की सबसे अच्छा गुण क्या है कि आवश्यकता अनुसार हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि जैसे ही आपका मन करे कि आप संविधान को बदल दो, तो उसमें कठोर भी और लचीला भी है। आई थिंक आपको पॉइंट समझ आया होगा। अब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। तो हमारे संविधान की जो विशेषता में से एक विशेषता क्या है कि हमारा संविधान एक संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है, और संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है जहां पर जो हमारी कार्यपालिका है और विधायिका है एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं जवाबदेह होते हैं, तो है संसदीय शासन प्रणाली। मौलिक अधिकार की गारंटी प्रदान करता कौन सा भारतीय संविधान, हमारा संविधान जो है मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार की गारंटी का मतलब होता है कि आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय, अगर आप किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि गारंटी है, यानी आपके मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से कोई भी संस्था हनन नहीं कर सकती है, इसलिए ये हमारे संविधान की गारंटी है। इसके बाद और भी है, जैसे हमारा संविधान मौलिक कर्तव्य की बात करता है, हमारा संविधान राजनीतिक सिद्धांत देता है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत की प्राप्ति करता है, हमें प्रदान करता है, और भी बहुत महत्वपूर्ण गुण है दोस्तों, लेकिन अभी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस आपको समझ आना चाहिए
रटना बिल्कुल भी नहीं, मैं फिर अपने वीडियो बार बार रटना नहीं, आपको समझना है। अगर आपको समझ नहीं आना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मैं आपको किसी और तरीके से कैसे समझा सकूं, मुझे समझाना आता है। और आप मुझसे जितने तरह अच्छे से समझना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी तरह से आपको समझाऊंगा, बसते आपको समझ में आना चाहिए। और आपको जरा भी इसमें कोई दिक्कत हो तो आपको पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए अब संविधान का महत्व पर चर्चा करते हैं। महत्व आखिर क्या है, क्योंकि बिना महत्व के तो किसी चीज की हम बात ही नहीं कर सकते। हम इस धरती पर हैं तो इसका भी हमारा एक उद्देश्य है, इसका भी महत्व है, किसी तरह हमारे संविधान के भी क्या है, महत्व है। तो महत्व की बात करें तो समाज में निर्णय लेने की क्षमता, समाज में निर्णय लेने की क्षमता कौन प्रदान करता है, हमारा संविधान प्रदान करता है कि निर्णय कौन ले सकता है, यानी अथॉरिटी किसके पास होगी, पावर किसके पास होगी। ऐसा नहीं कि आयरा के बोला कि मैं पावर लूंगा, ऐसा नहीं है। संविधान पावर जिसको देगा उसी के पास क्या रहेगी, पावर रहेगी, आप में से कोई पावर नहीं ले सकता। उसके बाद सरकार के कार्य पर सीमाएं लगाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे संविधान का, क्योंकि ये सरकार पर क्या करता है, पाबंदी लगाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसी कोई सरकार नहीं आ जाए जो सिर्फ अपने चाहने वालों के लिए नियम बनाए, अपने ना चाहने वालों के लिए नियम ना बनाए, अपने चाहने वालों का विकास करे और दूसरे अपने ना चाहने वालों के विकास पर ध्यान ना दे। वो जो सीमाएं होती है उसे पकड़ना यानी जंजीर बांधने का काम कौन करता है, हमारा संविधान करता है। सीमाएं लगाता है, बाउंड्री तय करता है कि ए बाउंड्री की थी राइट, ये लाइन खींच दिए, इस लाइन के बाहर आपको यह लक्ष्मण रेखा खींच रही है, इस लक्ष्मण रेखा को पार करोगे तो रावण क्या उठा ले जाएगा। तो ये हमारा कौन कहता है, संविधान बाउंड्री खींचता है, पहली बात इसके लिए सीमाएं लगाता है। किसी समाज की बुनियादी पहचान कौन करता है, हमारा संविधान। हमारा संविधान तय करता है कि हमारा जो राज्य है, देश है, वो किस आधार पर है, ये भी कौन बताता है, हमारा संविधान तय करता है। इसके बाद हमारा अगला है वो सरकार को शक्ति प्रदान करता है। तो सरकार को शक्ति कौन प्रदान करता है, भारतीय संविधान प्रदान करता है, आयोग प्रदान करता है कि सरकार को शासन किस आधार पर चलाना है, किस प्रकार को शासन करना है, किस किस नियमों को पालन करवाना है और कौन कौन सी चीजें हैं जो उसे कार्य नहीं करनी है, तो कौन बताता है, हमारा संविधान बताता है, शक्ति प्रदान करता है। और बुनियादी नियमों का समूह है वो बुनियादी नियम दोस्तों जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, ऐसे नियमों को कौन बनाता है, हमारा संविधान। तो दोस्तों आई होप आप इस वीडियो को पूरी तरह देखकर समझ चुके होंगे, आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हम आपको किस तरह से और अच्छी तरह से वीडियो दे सके। धन्यवाद, स्टे ट्यून्ड।